नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज और मैं हूं विमल राय। आइए बात करते हैं इस समय की बड़ी खबरों की। सीहोर के जमुनिया डैम में मिला सीहोर के भावेश उपाध्याय का शव। सीहोर थाने में दर्ज थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। सीहोर जिले के जमुनिया डैम से शुक्रवार की सुबह मिले शव की पहचान भावेश उपाध्याय निवासी सीहोर के रूप में हुई है। वह पिछले 3 दिनों से लापता था। उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी थाने में दर्ज कराई गई थी। मौके पर परिजन भी पहुंच गए, उन्होंने शव की पहचान की। पुलिस ने शव को डैम से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। सुबह 11 बजे के बाद ग्रामीणों को तालाब में शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना मंडी पुलिस को दी गई। पुलिस ने बताया है कि भावेश पिता परमानंद उपाध्याय पिछले 3 दिनों से लापता था, जिसकी गुमशुदगी कोतवाली थाने में दर्ज की गई थी। कल पूरे देश में दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर में दशहरे का पर्व कुछ अलग ही तरीके से मनाया जाएगा। यहाँ पर किसान खराब हुई सोयाबीन की फसल का रावण समाजसेवी SS मेवाड़ा के नेतृत्व में जलाएंगे। सीहोर के रामाखेड़ी गांव के किसानों ने दशहरे पर खराब हुई सोयाबीन की फसल का रावण बनाया है, जिसे कल दशहरे के अवसर पर जलाया जाएगा। किसानों के आरोप है कि सरकार ने खराब हुई सोयाबीन की फसल का ना ही सर्वे कराया है और ना ही उचित भाव दिया जा रहा है। सरकार को जगाने के लिए हम खराब हुई सोयाबीन की फसल का रावण जलाएंगे। और विगत 1 महीने से किसान लोगों की बेमौसम वर्षा अधिक पानी से सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है, खराब हो गई है। खेतों में पानी भरा गया, कटी हुई सोयाबीन सड़ गई है और सोयाबीन 1-1, 2-2 क्विंटल मात्र निकल रहा है। इस बात को लेकर के कई गांव के किसानों ने मेरे नेतृत्व में पहले घंटी बजाई, पेड़ों पर चढ़कर जल सत्याग्रहण करा, माननीय मुख्य सचिव महोदय कमिश्नर महोदय से अनुरोध करा कि खराब हुई सोयाबीन की फसल का मुआवजा दे, सर्वे करे। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद तक भी आज तक सोयाबीन के खेतों पर, किसानों के खेतों पर ना तो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा, ना कृषि अधिकारी मौके पर पहुंचा, ना राजस्व अधिकारी, ना कोई सर्वे बीमा राशि नहीं दी। मजबूर दुखी होकर संकट का मारा किसान हर साल बड़ी खुशी में रावण जलाता था जब फसल अच्छी बैठी, लेकिन इस बार सोयाबीन का रावण जला रहा है। किसान परेशान हो रहा, किसान दुखी है, किसान मजबूरी में किसान ने सोयाबीन का रावण बनाया है। और जागो सरकार, खराब सोयाबीन की फसल का रावण जला है किसान, देख लो ये खराब सोयाबीन का रावण बना, धरती पुत्र की यही पुकार, खराब सोयाबीन का रावण जला रहा है किसान। ये आज स्थिति बन चुकी है। मैं अनुरोध करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, माननीय हमारे क्षेत्र के सांसद केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान से और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप तत्काल अधिकारी को मौके पर भेजिए, RBC 6-4 में राहत राशि दिलाइए, किसानों को बीमा राशि दिलाइए, क्योंकि किसान पूरा बर्बाद होगा, सोयाबीन की खराब फसलें पूरी बर्बाद हो गई है। इस बात को लेकर किसान बड़ा दुखी और परेशान है। हमारी और भी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाली बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही, आप बने रहिए सीहोर लाइव 24 के साथ। नमस्कार।